नमस्कार। आमे आलोचना करूथले सत्य आंब कथा सत्य आंब उपाख्यान कही परिबा, जहाँ होची सारला महाभारतर वन पर्वरु आनीत बा आहृत। एवं यार पूर्व क्लास रे आमे सारला दासंकर जन्म, तांकर जीवनी, तांकर साहित्य कृति एवं मुख्यतः महाभारत संपर्क रे किछि कथा कुहा हेबा सहित सत्यांब प्रसंगर पृष्ठभूमि बाबदरे मध्य कुहा हेछि। एवं एई कल्पना एई आख्यायिकाटी होउछि संपूर्ण भावरे ओडिया बा सारला महाभारतर निजस्व। व्यासंक महाभारत रे एही आख्यान नाही। तेबे आमे आजि आलोचना रे सारला दासंकर रचनार बा महाभारत रे तांकु कुहा हेछि जे से जणे होउछन्ती विप्लवी बा प्रतिवादर कवि। एवं से प्रतिवाद पछर कारण कौन, मुख्यतः चतुर्दश पंचदश शताब्दी ओडिशार सामाजिक जीवन, परिवेश, संस्कृति एवं से परिवेश भीतरु सारला दास काहिंकि एपरी प्रतिवादर प्रसंग उत्थापन करिछंती, ताहा होची आमर आजिर आलोचना। एवं पर्याय क्रम रे आमे से सत्यांबर कहानी प्रसंग कथा मु कही देछि जे मुख्यतः से माने जो वनवास काल रे अछंती शर्त अनुसार जे वनवास भितरे जो अज्ञातवास रे से माने रहिबे, जदि परिचित होई जानती जे पांडव माने एई माने होछंती पांडव बोली, ताहले पुनी आउ थरे से वनवास 12 वर्ष प्रलंबित होइ जिवो एवं निष्कंटक भावरे दुर्योधन राजभोग करिवे। सेई क्रमरे से विभिन्न दिगकु दूत पठैछंती एवं गोटे आश्विन मासरे आंब जदि जिए देई पारिबो से सामर्थ्य केवल पांडव मानंकर अछि, सेई न्यायरे से परीक्षाटिए करैछंती। तो असमयरे जेतेबेले अतिथि जणे आसिकि आंब मागिछि, भगवान श्रीकृष्ण सहाय हेकि से आंब संभव करैछंती। आंब पाचिच माने आंब गछ होइछि, पत्र पुष्प रे ताहा माने पल्लवित होइछि, फळीछि एवं पाचिकी पड़िबा पई जो घटनाटी आवश्यक करैछि ताहा होउछि जे मनीष निजकु उन्मोचित करि देबा, निज भीतर गोपनतम सत्य को जहाँ कदापि आलोक देखी नहीं ताकु आलोक को आनिबा। से प्रसंग को परे आसीबा, आगे जो सारला दासंकर प्रतिवादर कथा कहुथिले से कौन चाहूथिले, कारण साहित्य साधारणतः जदि आमे देखिबा जहाँ को ब्रह्मानंद सहोदर बोली कुहा हेजी, ये होची गोटिए आरोहण बा उत्क्रमण, याकु आमे प्राचीन ग्रीक रो शास्त्र अनुसार कहिलेब आल्केमी। मनीषर गुणगत जीवनर रूपांतर जहा द्वारा हेई पारिबो ताहा होची साहित्य। तो से तत्व संपर्क रे आमे बेसी एठी आलोचना करिबा नै, आमे सारला दासंक कथा ही कहिबा। तो ओडिया साहित्य रे आमे देखुचे जे संस्कृत साहित्य रे एक विराट सुदीर्घ परंपरा परे पाली प्राकृत भाषा परे अपभ्रंश भाषा रे साहित्य रचना करा जाइथिला। एवं ता परे रुद्र सुधानिधि, कलसा चौतीसा, एमिति आउ केतोटी माने चौतीसा परे व्रत कथा मध्य आविष्कृत होइथिला। एवं सेई समय रे आमे देखुचे कथित साहित्य संभवत थिला, माने लिखित नुहे, जहाँ को लोक साहित्य बोली कुहा जाई पारिबो।
तार स्रष्टा किए को परिवेश परिस्थिति रे सृष्टि करितिला जणा नाही, किंतु मनीष जीवन को नियंत्रित शिक्षणीय एवं मनीष जीवन बा सामूहिक मार्गचारण रे ताहा सहायता प्रदान करूतिला। तो सारा दासंकर आविर्भाव होची सही समय रे जिए शुद्ध ओडिया रे तथा कथित भाबरे आमे लिखित रूप भीतर को साहित्य को आणुछंती एवं एहा जे आकस्मिक भाबरे आम साहित्य भीतर आसी पहुंची जाइथिबे से कथा कदापि कुहा जाई पारिबो नाही। तांकर ओडिया महाभारत चंडी पुराण प्रभृति ग्रंथ पाठ कले और तांक सहित तांक कल्पना और कलनार बनस्त भीतरे बुली बाहरिले आमर बार बार एक दृढ़ प्रत्यय हो जाउथिबो जे उभय भारतीय भाषा एवं ओडिया ग्रंथ लेखा सेतेबेळकु अनेक पखत हेला परे ओडिया साहित्य रे सारला दासंक परिजणे काव्यकार ओ तांक ओडिया महाभारत परि गोटिए महासिंधु सदृश ग्रंथ संभव होइथिबो। आपणार महाभारत पुस्तक रे सारला दास बहुबार ओडिशार तत्कालीन राजा कपिलेन्द्र देवंकर उल्लेख करिसंती। कवि सारला दास एवं ओडिशार राजा कपिलेन्द्र देव परस्परर समसामयिक। कपिलेन्द्र देव ओडिशारे गंगवंश परे सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता। गंग माने ओडिशार बाहरु सुदूर चल बा वर्तमानर कर्णाटक प्रदेशरु आसीथिले। मात्र कपिलेन्द्र देव एही ओडिशार थिले बोली ओडिया जातीयतार एक भावरे उद्बुद्ध होई ओडिया साहित्यर केतेक आलोचक तांकु एक विशेष अनुरागपूर्ण चक्षुरे देखिबाकु चेष्टा करिथांती एवं कवि सारला दासंक सहित तांकु आनी जोड़ी देइथांती। कपिलेन्द्र देव जणे प्रतापशाली राजा थिले, समर अभियान रे अनेक राजांकु पराजित करिथिले। हुए तो एक कथा मध्य होई पारे जे तांकर राजत्व समय रे ओडिशा रे सुख समृद्धि विराजमान करूथिला। मात्र एही सबु परिस्थिति मध्यरु जे सारला दास संभव हेले एपरी अनुमान करिबा पछरे संभवत आद्वो कोनोसी साहित्यिक विवेक रहिछि बोली कुहा जाई पारिबो नाही। राजा प्रतापी हेले एवं साधारण प्रजा सुखरे रहिले जे साहित्य मध्य समृद्ध ओ पुष्पित हेबाकु सेथिरु उत्साह बा प्रेरणा पाए से कथा कदापि सूत्र पकाई कही हेबो नाही। अनेक समय रे एपरि मध्य होइथाय जे तथा कथित सुख भोग एवं संस्कृति समय रे एक मिछ परितृप्तिर भाव अधिकांश मनुष्यंकर चेतना को गोटा सुद्धा गिली पकाए थाए और तद्वारा सर्जनात्मक क्षेत्र रे एक घोर निद्रा घारी रही थाए। कहारी भितरे हुए तो असल तृष्णा न थाए। सामूहिक जीवनर दुर्दिन रे हुए तो मनीष भितरे कवि लेखक एवं सर्जनात्मक व्यक्तित्वटी सकाशे अपेक्षाकृत अधिक आह्वान आसी पहुँचे और सीए से ही आह्वान गुड़िकर जवाब देवा लगी अधिक क्रियाशील हुए। आपणार रचित ओडिया महाभारत रे सारला दास निजकु अत्यंत न्यून और क्षुद्र करी वर्णना करिछंती। सीए अक्षर अर्थात विद्या पढ़ी नहांती बोली कहिछंती, शास्त्र रे अवगाही नहांती, अधिकंतु कुस्थान रे बसिछंती, विप्र गोष्ठी रे केबे हेले जाई बसी नहांती,
ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ବି ଯାଇ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପକ୍ଷତ ହୋଇନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ ମନ୍ତ୍ର ନେଇନାହାନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜାଗ ଯଜ୍ଞାଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ମନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେବ ଯେ ଏହିସବୁ କଥା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାରଳା ଦାସ ହୁଏତ ବିନୟ କରି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଭଣିମା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାଳରେ ଶାସ୍ତ୍ରଟିଏ ଲେଖିବା ସକାଶେ ଯେଉଁ ସବୁ ଔପଚାରିକ ନିଷେଧ ସବୁ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି କଥାମାନ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କାମଶାସ୍ତ୍ର ପରସ୍ପର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ବାତ୍ସାୟନଙ୍କର କାମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ସାରଳା ଦାସ କୌଣସି ରାଜସଭାରେ କବି ହୋଇ ବସିନଥିଲେ, ସିଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜସଭାର ବହୁ ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାମାନ ଫୁଲ ପାଣି ପାଇ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ଗାଁର ଚିହ୍ନା ଦେବୀଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସାଧନା ପରିଣତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଓ ସେହି ଗାଁରେ ରହି ସେ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣାର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଏହି ନାମଟିକୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସତ, ମାତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ କାବ୍ୟକାରିତାର ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରାଜସଭା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଛତ୍ରଛାୟାର ଏତେ ଦୂରରେ ରହି କବିତ୍ୱ କରିବା ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଆପଣାର କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୃହୀତ କରାଇ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଏହିସବୁ କୃତିତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସକାଶେ ସେତେବେଳେ କମ୍ ସାହସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିବ। ଏକ ଶୂଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେ ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନିର ଆଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ମନ କଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ ବୋଲି ସମାଲୋଚକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ଆଉ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସେହି ରୀତିଟି ବିରୋଧରେ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି କହିଲେ। ଶୂଦ୍ର ଯେ ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଅସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ମୁନି ହୋଇପାରେ, ସରି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ମୁନି ହୋଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରେ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିପାରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିପାରେ, ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅବିବେକ ପାଖରେ ସେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କବିଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଗଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସାଧନା ମାର୍ଗ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସାଧନା ମାର୍ଗ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକ ଏପରି କଦାପି କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସାଧନା ମୂଳରେ ସାଧନା ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ
सबु मूर्ति को मध्य घ्राण करिबारे समर्थ हो जाए प्रतिमा मानंकर बाड़ को डेई जाए एवं जदि साधक कवि मध्य होइथाय अर्थात जदि ताठारे कवित्वर बासना सतकु सत पूरो भागरे आसी रही थाए तेबे ताहार अनुराग भितरे एही समन्वयटी आहुरी अधिक सहज होइथाय कविंकर हृदय पंडित मानंकर सबु प्रतिमा भेद को अतिक्रम करी जाए किंबदंतीर व्यासदेव एक महापुराण हिसाबरे संस्कृत महाभारतर रचना करिथिले संस्कृत महाभारत को भारतीय प्राचीन जीवनर एक महाकाव्य बोली कुहा जायछि सेथिरु आमको समकालीन भारतीय समाज एवं सामाजिकता विषयरे अनेक परिचय मध्य मिली जाउछि राजार धर्म नारीर धर्म युद्धक्षेत्रर धर्म एवं गोष्ठी बा सामूहिक जीवनर धर्म विषयरे महाभारतर गवेषक मानंकु सेथिरु अनेक तथ्य उपलब्धि होई पारुछि सही महाभारत को मूल करि ही तार भारतीय विभिन्न भाषा रे अनुवाद होईछि मध्य युग रे ही से ही सर्वप्रथम भाषा अनुवाद गुड़ी को करा जायछि मात्र से गुड़ी को प्राय सबु गुड़ी को आमे अनुवाद बोली न कही गोटिए गोटिए अनुसृजन बोली कही परिबा भाषार महाभारतकार माने मूल संस्कृत महाभारत ठारू केडे अबलीड़ा सहित केते कुआड़ को हुड़ी जाइछंती एवं एही परी हुड़ी जीवा द्वारा ही आपणार ग्रंथटी को एक स्वतंत्र महिमा आनी देइछंती सारला दासंकर महाभारत एही क्षेत्र रे अन्यान्य भाषा महाभारत गुड़ी को तुलना रे संभवतः सर्वाग्रे रहिछि सारला दास व्यासदेव को मोटे मानी नहंती केवल संस्कृत महाभारत रे मध्य दृष्टिगत आधार क्षेत्र रे नुहे मूल कहानीटीर क्षेत्र रे मध्य से केते केते परिवर्तन करी देइछंती संस्कृत महाभारत रे मध्य हस्तिनापुर रे बा हस्तिनापुरर असल कहानीटी सहित आहुरी केते कहानी ओ उपाख्यान को आनी जोड़ी दिया जाइछि सेई अन्य उपाख्यान गुड़ी को आधार करी मध्य संस्कृत भाषा रे अन्य शास्त्र मान लेखा जाइछि मात्र सारला दास तांको महाभारत रे कहानी सहित जेउ सब उपकहानी को आनी गुंथी देइछंती से गुड़ी को आमे कोनोसी शास्त्र भितरे खोजी पाइबा नाही जेमिति सत्य आम्ब कथा एही सब आख्यान ओ उपाख्यान गुड़ी को से निजर साहसी कल्पना भीतरु बाहर करिछंती संस्कृत महाभारत को सबा आग समस्ते को धर्म ग्रंथ बोली मानिथंती ओडिया महाभारत को मध्य ओडिसार पुरपल्ली रे समस्ते संतर्पण सहित एक धर्म ग्रंथ ज्ञान रे पाठ ओ पारायण करा जायथाय मात्र गोटिए धर्म ग्रंथ कहिले साधारणतः जहाँ बुझाए ओडिया महाभारत भितरे आमकु सही उपादानटी खूब बेसी उपलब्ध होई नथाय ओडिया महाभारत रे देवता माने समस्ते अछंती मात्र जणे अनुरागी कबीर कल्पना भितरे मजा होई से माने समस्ते काव्य रूपी मंच उपरे सत्य बा गोटिए गोटिए क्रीडनक परि नाचिबारे ही लागिछंती कवि सारला दास कौनसी देवादेवी को आद्यो कौनसी प्रकार अवज्ञा प्रदर्शन करिनहंती तथापि लोकमानसर माधुर्य स्तर को आसी देवतार कल्पना गुड़िक जेपरी एका बेले के आमर एही जीवन रूपी इहभूमिर स्तर को अल्लेही आसिछंती सारला दास निजर पात्र पात्री को माने चरित्र मानंकु सेही परियानी उपस्थापित करि जाइछंती हस्तिनापुर ओडिसा थारु एबो परी सेते बेड़े मध्य बहु दूर रे अवस्थित रही थिला मात्र सारला दास सेमानंकु एका बेले के तांको निज ओडिसार एक स्थानीय मंच उपरे आनी अवतीर्ण कराइछंती ओ ओडिया महाभारत सत्यवा तांको समसामयिक ओडिसार एक महाकाव्य बोली
आम आगरे एक प्रतीतिर जाल को विस्तृत कर रखिंटी एभली एक प्रतीति आम को भल लगुच मूल महाभारत टी सारा दास एपरी भाव बृत एवं विघटित करी भाभी आम मनरे कौन प्रकार क्षोभ मध्य जात हो संभवतः जड़े कबीर सर्वश्रेष्ठ करामती होउची दूररु एकांत निकट करी आनिबा देवता मानंकु एकांत गोटिए गोटिए मनुष्य चरित्र रे परिणत करी आमर कल्पना रु कल्पना अनुराग को एक अभूतपूर्व आत्मीयता भीतर को संचालित करिनेबा एही कृतित्वटी सकाशे सारला दास एबे मध्य आपणा को आमर एते बेसी प्रिय होई रही चंती। सारला साहित्य मूलतः एक प्रतिवादर साहित्य राजसभार पंडित मानंकु उद्देश्य करी एक प्रतिवाद राजांकर पृष्ठपोषकता लाभ करी गोटिए गोटिए संप्रदाय रूपरे स्पर्शकातर होई रही थिबा धर्मीय आसक्ति गुड़िकर उद्देश्य रे एक प्रतिवाद एवं सर्वोपरि से ही राजांक द्वारा पोषा होई रहितिबा संस्कृत साहित्यर कृपण बा संकीर्ण परंपराटिकु उद्देश्य करी मध्य एक प्रतिवाद राजसभार बहु दूररे बृहत्तर लोकजीवनरे सेतेबेळे जेउं सबु दृश्य एवं चित्र अभिनीत हेबारे लागिथिला संप्रदाय गुड़ी को परस्पर ठारु विच्छिन्न करी सूचाई देउतुबा धर्मशास्त्र गुड़िकर बहु दूर रे सबु धर्म और तद्गत आचार चय को एकाठी मिसाई ताहाकु नाना प्रतिमा एवं प्रतीक रूपे बड़ी जेउ सबु विश्वास एवं अति विश्वास सबु कालरु उद्भूत होई आसीथिला आगरु सेगुड़िकर अभिव्यक्त निमन्ते आद्वो कौनसी अनुकूलता नथिला ब्राह्मण माने शास्त्र गुड़िकर अधिकारी थिले तेनु केवल तथाकथित शुद्ध और अनुमोदित सामग्री मान ही शास्त्र भीतर को प्रवेश करी पारुथिला सत्यवा सारला दास से अनुकूलताटी लागी बाट फिटाई देबा पाई अपनार लेखनी धारण करी थिले सीए बृहत्तर समाज को काव्य भीतर को प्रविष्ट कराई आनी थिले पात्र और पात्री मानंकर नाम गुड़ी को और संस्कृत ग्रंथर पृष्ठभूमि टी से निजर मूलपुंजी रूपे ग्रहण करी थिले एवं सेमानंकु और ताहाकु तत्कालीन लोकजीवनर केते केते क्षेत्र एवं उपक्षेत्र मध्य को लोटाई नहीं गले से ठाकुर मानंकु जीवन्यास देई मणिष कले सेमानंकु निज कालर अधिक निकटवर्ती कराइले तांकर कुरुक्षेत्र प्रकृतरे तांकर चतुर्दिगरे ही विस्तृत होई रहीगला एवं तांकर निज अनुभव तथा अनुराग ही तांकर बलिष्ठतम काव्य नयन रूपे कार्य करिथिला। सारला दास केउ किसमर देवी भक्त थिले ओ देवी आराधना करी केउ प्रकार सिद्धि गुड़ी को हासिल करी थिले से सबु विषय रे आमर अनुमान जेपरी हो किंबा न हो पछे के सीए जे अत्यंत उदार ओ अत्यंत उन्मुक्त भावरे सर्वप्रथमे जीवनर जणे परम भक्त ओ परम अनुरागी थिले तांकर रचना गुड़ी करू आमकु ताहार भूरी भूरी प्रमाण अवश्य मिलिबो जीवनर जणे भक्त हिसाबरे से स्वीकृत केते केते बाडकु डेई जाई पारिथिले। सारला दासंकर साहित्य रे जीवन सहित पंक्ति भीतर को साहित्यर पंक्ति भीतर को आसिला आमे पूर्वरु स्वर्गवासी देवता माने ही साहित्यर समग्र इलाकाटी को अधिकार करी रही थिले अर्थात काव्यकार माने मनुष्य जीवनर आवेग ओ आकृति गुड़ी को साहित्य मध्य रे आनी प्रविष्ट कराइबा को सत्यवा एक अपराध बोली मने करुथिले एही मनुष्य ही तार देवता मानंकु सृष्टि करिथाए अपना जीवनर प्राचुर्य एवं माधुर्य गुड़ी को जीवन्यास देई ही से देवता मानंकु गढ़ी थाए। सारला साहित्य होउछि तार एक समुज्जल दृष्टांत सारला दास शिष्ट अशिष्ट मानि नहांती श्लील अश्लील मानि नहांती
सिद्ध असिद्ध मध्य मानि नहंती निजर कल्पनारे देवता नर दानव समस्त को सर्जिला बेले से केते कुआडे उड़ी जाइछंती केते केते अकल्पनीय भीतर को पसी जाइछंती सारला दासंकर असल चक्षु होउची कबीर चक्षु कौनसी गोटे निर्दिष्ट मार्ग बा संप्रदायर गार भीतर आबद्ध रहिबाकु जदि भक्ति बोली कुहा जाए तेबे सारला दास हुए तो आद्व जने भक्त नथिले ओडिया भाषा द्वारा से बहुत किछि समृद्ध होइ पारिबो अपनार भावगुड़ी को प्रकाश करिबार क्षेत्र रे ओडिया जे कदापि संस्कृत पछरे पड़ी जीवो नहीं अत्यंत विचक्षण भावरे कवि सारला दास ताहा प्रमाण करि देथिले सेतेबेड़र मापकाठी उपरे से असंभव को संभव करिथिले सारला दासंकर कृतिगुड़ी करे कल्पना अधिक रहिछि इतिहास कम अछि जेकोणसी पुराण परी तांकर महाभारत को एक भावच्छल काव्य उपन्यास बोली कुहा जाई परिबो अपना रचना पई प्रासंगिक जाबतीय शास्त्र ग्रंथरु से अनेक सामग्री संग्रह करी आनीथिले सत मात्र समसामयिक लोकचलणी मध्यरु ताहाठारु अनेक गुण अधिक संग्रह करीथिले सेई चलणी गुड़िक सहित अपनार कल्पना को जोड़ी सीए सबु किछि को अत्यंत सरस करी देई पारिथिले एही सबु सौध गड़िबारे से देवदेवी को मानि नथिले धर्मशास्त्र गुड़िकर सिद्धांत को मानि नथिले ठाकुर मानंकु केते प्रकार रो काल्पनिकता ओ कहानीर दौड़ी रे बांधी सत्यवाद दांडरे आनी नचाई थिले एवं जे कोनोसी सफल काव्य काव्यकार परी से एसबु जानी सुनी करथिले देवता ओ देवता मानंकर उपासना विषय रे सेतेबेळे विभिन्न संप्रदायर पुराण मानंकरे जेपरी बहु संख्यारे नाना उपाख्यान रहिथिला लोकमानंकर चरणीरे मध्य प्राय समांतर भावरे सेहीपरी केते केते कथा ओ उपकथा रही आसीथिला सारला दास अत्यंत निपुणता सहकारे सेगुडीकु शास्त्र भितरकु आणिले एहीपरी भावरे से केते अलेखाकु लेखारे परिणत करिदेले तत्कालीन समाज विषय रे कवि सारला दास जहाँ सबु लेखि छंदी सेतेबेळर समाज प्रकृत रे सही बोली थिला बोली विश्वास करिबाकु आरंभ कले हुए तो नाना भ्रांति भितरे आसी पड़ी जिबा आम आधुनिक काल रे मध्य साहित्य भितरे समाज को नेई फंदा होइथिबा नाना रकमर चित्र रही थाए मात्र ता बोली समाज रे वास्तवता सही सबु कथा रहिछि बोली सबु बेळे विश्वास करि हेबो कि तथापि नारी मानंक विषय रे सारला दास जहाँ सब वर्णना देइछंती नारी विषय रे तत्कालीन समाजर दृष्टि अल्पे बहुते सही परी थिला बोली हुए तो अनुमान करी हेबो एक सामंतवाद समाज रे गृह नामक साम्राज्य रे पुरुष हेउची अधीश्वर स्त्री हेउची तार परिचारिका एवं सेई सामंतवादी युगरे मध्य नारी हेउची देवी साक्षात ठाकुरानी और सही परी आउ सबु किछि निजर लिखित चंडी पुराण रे सारला दास नारी मात्र के समस्तंकु स्वयं देवींकर अंश बोली घोषणा करिछंती पृथ्वी रे जेते नारी जन्म ग्रहण करंती सेमाने कुआडे समस्ते देवींकर कला एवं अंश नै संसार को आसंती संसार रे जेते युवती अछंती समस्ते सेई देवींकर ही प्रतीक आहुरी पादे आगो कुजाई सारला दास आहुरी मध्य परामर्श देइछंती जे विपदरे पड़िथिबा समयरे मुखरे नारीरो नाम उच्चारण कले पुरुष सकल प्रकारर संकटरु अवश्य उद्धार पाइबो मात्र महाभारतर लेखक एकथा मध्य लेखिछंती जे द्रौपदी विवाह करी पांडव मानंक सहित जीवा बेले राजा द्रुपद तांक सहित विविध अलंकार द्वारा भूषित होइथिबा एकलक्ष दासी जौतुक स्वरूप देइथिले ठीक सेहिपरि उत्तरांकर विवाह समय रे एक सहस्र दासी भानुमतींकर सहित नृत्य रे निपुणा गणिका ओ दुशीलांकर विवाह समय रे बहुसंख्यक दासी जौतुक रे आसीथिले वीर कर्ण शल्यंकु लोभ देखाई कहिथिले जे सीए तांकर रथरे सारथी कार्य कले उपहार स्वरूप एक सहस्र पद्मिनी नारी पाइबे आपणार एक सान पथी रे लक्ष्मीनारायण वचनिकारे सारला दास स्वयं लक्ष्मी ठाकुरानी मुहरे नारायण आगरे कुहाइछंती जे जिए भार्या होई मध्य निज गृहस्थर सेवा न करे
ताकु स्त्री मानंकर संसार रे जणे जणे बोली आद्व गणना करिबा उचित नुहे एवं अन्य कथाटि मध्य सेई परि समान भावरे सत्य अर्थात गृहस्थ होइ मध्य जणे पुरुष जदि भार्यार सेवा न करे बा न कला तेबे ताहाकु बहुत कष्ट भोगिबाकु पडिबो। स्त्री मानंक विषय रे सारला दासंक मनरे जेउ प्रकार धारणा रहितिला सारला महाभारत रे द्रौपदींकर गोटिए उक्तिरु आमे ताहार कोनोसी इंगित पाई पारिबा कि सेही उक्ति रे द्रौपदी कहिसंती जे सुबेश पुरुष देखिले ए सत्यांब कथारे ए कहानी टी अछि जो सुबेश पुरुष देखिले ता आडकु आकृष्ट होई पड़िबा हेउची स्त्री मानंकर प्रकृति। सेही पुरुष निजर भाई होई थाउ पुओ होई थाउ पछके एथिरे आद्व कोनोसी व्यतिक्रम घटिबो नाही एवं सतेबा सेही कारण रुही अपनार पांच पांचटा स्वामी थाउ थाउ द्रौपदी तथापि कर्ण आडकु ढळी होई पडुथिले बा आकर्षित होई पडुथिले। निज कालर जे कोनोसी पुरुष परि सारा दास हुए तो स्त्री मनर कल्पना करिसंती माने निसंदेह कहि परिबा अमर सत्यांब प्रसंगरे मनस्तात्विक दिग पुरुष मानंकर एवं स्त्री मानंकर एवं निजकु लुचाई रखिबार प्रवणता किपरि भावरे प्रच्छन्न होई रहिथिला ताकु से स्पष्ट रूपरे आम आगरे आनी उपस्थापन करिसंती। तेणु ओडिया दास सॉरी तेणु सारला दास पांडव कौरव मानंकर कथा कहिसंती तांकर समकालीन ओडिसार कथा गुड़ी को ही ताठारु अनेक अधिक परिमाण रे कहिसंती। एते टिके सुजोग पाइबा मात्रे कवि हस्तिनापुर छाड़ी सीधा तांकर ओडिसा को बाहरी आसीचंती ओ भूमिर नाना व्यापार ओ प्रसंगर सत्यवा एक चाक्षुष वर्णना प्रदान करिसंती। ओडिसा रे सेते बेले जेते जेते साधना मार्ग प्रचलित थिला ओडिया महाभारत रे से सबु गुड़ी कर आलोचना रहिची सेथिरु सारला दास अमुक मार्गर अपेक्षा अमुक मार्ग को अधिक समर्थन करुथिले से अमुक मार्गर थिले बोली केते भली अनुमान करा जायची। सारला दास संभवत सबु थिले अथच किछि नथिले अर्थात से सबु मार्गरे थिले और निर्दिष्ट भावरे आद्व कोनोसी मार्गर नथिले। कवि अपनार श्रद्धा द्वारा केते केते थानरे निजो को एकात्म करी रखी थाए एवं तथापि केउटी को हेले एकमात्र शुद्ध मार्ग बोली ग्रहण करी न थाए। कवि सबुटी भीतरे थाए सबुर लागी एकांत सहानुभूति रखी थाए तथापि केउटी बांधी होई रही न थाए। सही दृष्टि रु विचार करले से सही सबु गुड़िकर स्तर रु ऊर्धरे रही थाए। कवि सारला दास अपनार धर्म भावना रे सही परी ऊर्धरे रही थिले सेथि लागि सहानुभूति सहित सय सबु गुड़िकर आलोचना करि पारिले प्राय प्रत्येकटी सहित अपनार फंदा कहानी मान जोड़ी दे पारिले और तथापि कोनोसी विशेष पक्षाग्रह देखाई गोटी को आउ गोटी ठारु हीन बा न्यून बोली कहिले नाही। सेतेबेले ओडिसार समाज सेई समाज रीतिनीति नाना विश्वास अविश्वास एई सबुगुडिकर मनोरम समग्र चित्रगुडिक आम पई सारला दासंकर ओडिया महाभारत मध्य रे सत्यवा ठूल करि रखा जायछि। बृहत परंपरा गुडिकर उल्लेख एवं इंगित अवश्य रहिछि तथापि क्षुद्र परंपरा गुडिकु अधिकरु अधिक विशद भावरे वर्णना करि देखाई देवारे सारला दास सत्यवा अधिक आनंद लाभ करिछन्ति। बृहत परंपराटी तुलना रे क्षुद्र परंपरा अर्थात स्थानीय परंपरा गुडिक मध्य रे सचराचर अधिक चित्रमयता रही थाए सेगुड़ी को ही सर्वदा अधिक विचित्र मने हुए। क्षुद्र परंपरा माने बृहत परंपरा टी जे बहु बाटरे अधिक समृद्ध और अधिक वर्णाढ्य कर रखिबारे साहाज्य करती। सारला दासंकर ओडिया महाभारत रु आमे तहार गोटिए प्रांजल दृष्टांत रूपे ग्रहण करिपारिबा अर्थात क्षुद्र परंपरा गुड़िक जे केवल बृहत परंपरा टी भीतर निष्पन्न हो आसी थी से कथा आद्व नुहे। क्षुद्र परंपरा माने बृहत परंपराटीर समृद्धि लागी निरंतर नाना संभावना आनी जगाई दे थी। भारतीय भाषा मानंकर जदि संस्कृत महाभारत महाभारतर केवल एक निर्बल अनुवाद करा जाई थांता तेबे तद्वारा भारत वर्षरे एही महाकाव्यर परंपराटी प्रकृतरे केते
ना केते ऐश्वर्यरु वंचित होई रहितांता अत्यंत भल होईछि जे निर्मल और सतर्क तथा विश्वस्त मार्गी माने महाभारतर विभिन्न भाषानुवादरे हाथ देइनांती सबु भाषारे कवि माने ही सेथि लागि प्रयास साहस करिछंती स्पर्धा करिछंती महाभारत को सेमाने तार संकीर्ण कुओटी भीतरु बाहर करी सत्यवा गोटिए नदी भीतरे बुहाई छंती ताहाकु समग्र भारत वर्षर व्याप्ति ओ बृहत्ता आनी देइछंती मूल संस्कृत महाभारत सहित भारतीय भाषा नुवाद गुड़ी को एकत्र पाठ कले आमको प्रकृत रे समग्र भारतर सही बहु वैचित्रमय एकत्वटीर अनुभूति उपलब्ध होई थाए एथिलागी आमे ओडिशा रे तथा ओडिया भाषा रे कवि सारला दासंक पाखरे चिर कृतज्ञ होइ रहिबा ओडिया भाषा रे सारला दासंकर महाभारत रहिछि मूल संस्कृत रु निर्मल भाबरे अनुवाद होइ आसीतिबा अन्य महाभारत मध्य रहिछि राजा कृष्ण सिंहकर संस्कृत महाभारतर ओडिया अनुवाद करिछंती सारला दास महाभारत ग्रंथ तांकु प्रकृत अथवा पंकिल लागिला बोली जे से एक शुद्ध अनुवाद संभव करिबा पाई प्रयास होइतिले से कथा कहिबा लागि आम पाखरे कोनोसी स्पष्ट प्रमाण नहीं तथापि ए कथा हुए तो संभव जे संस्कृत महाभारतर गोटे सीधा अनुवाद करिबा पाई मन बोलाउथवा जने व्यक्ति को सारलांक द्वारा पुनः सर्जित ओडिया महाभारत एकाधिक दृष्टि रु सत्यवा गोटे अरण्य परि लागिबो सेही कारण रु हुए तो सीए संस्कृत महाभारत अनुकृति रे ओडिया भाषा रे मध्य महाभारतर गोटिए उपवन गढ़ी समस्तंकु संप्रुक्त समस्तंकर निमन्ते आनी दिबा पई इच्छा बळाई थिवे कथित अछि जे आमे उनविंश शताब्दी रे कवि फकीर मोहन सेनापति मध्य तांकर सहधर्मणीकर प्रीत्यर्थे संस्कृत महाभारतर ओडिया अनुवाद करि देथिले फकीर मोहन सारला महाभारत सहित अवश्य परिचित होई सारी थिवे तथापि से गोटे पथियाणी सहधर्मी को पढ़ी सुनाइले नहीं कहीं से कथा मध्य प्रश्नवाची तबे कवि फकीर मोहन भी कौन ताकू गोटे अरण्य अर्थात बहु प्रक्षेपर एक समाहार बोली संस्कृत महाभारत को ही एक शुद्ध धर्मग्रंथ सदृश विचार करुले कि प्रश्नवाची तेणु संस्कृत महाभारतर ओडिया अनुवाद एबे एही विंश शताब्दी द्वितीयार्धरे मध्य करा जाउची एही क्षेत्र रे मध्य अनुवादक सारला महाभारत को एक विशुद्ध ग्रंथ बोली धरि नहांती कि धर्म ग्रंथ एकांत भावरे एक शुद्ध ग्रंथ होइतिबो कोनोसी एक साहित्य ग्रंथ परी एपाखरु सेपाख आदो टळी जाउ नथिबो संभवतः एहिपरि एक विचार द्वारा प्रेरित होई एबे मध्य अनेक संस्कृत महाभारत आड़कु आगी आखी पकाउछंती सारला महाभारत को सेमाने एक अमूल्य ग्रंथ भावरे ग्रहण करुछंती ओ सेथिपाई तार भूरी भूरी प्रशंसा करुछंती सत मात्र अशुद्धरु शुद्ध को अलगा करी देखिबार प्रयासी सेमानंकर अन्य मनटी हुए तो महाभारत नामक धर्मग्रंथ कहिले केवल संस्कृत महाभारत को ही बुझुची तथापि एक धर्मग्रंथ एक साहित्य ग्रंथ मध्य जेते भली भेद जी देखु था पचके ओडिशार ग्राम मानक प्राय सबु स्थान रे महाभारतर पारायण कहले सारला महाभारतर पारायण को ही बुझा जाउछि सारला दासंकर भारत बा महाभारत ही संस्कृत रु निर्मल भावरे अनुवाद करा होई आसीथिबा भारत बा महाभारत थारु अधिक संख्या रे बिक्री होउछि तेणु अधिक स्वीकृत होइछि तेणु सेही महाभारतर आख्यान आमे जो सत्यांब कथा बा सत्यांब बाबदरे जानिबा ये होची पृथ्वी रे जे पर्यंत साधारण मनीष बंची थिबे से राजा हेई पारे ब्राह्मण हेई पारे शिक्षित हेई पारे अशिक्षित हेई पारे पुरुष हेई पारे नारी हेई पारे जे कोनोसी वर्ग जे कोनोसी स्तरर मनीष हेई पारे तार अंतर मन रे तार अवचेतन रे प्रछन्न होई रही थिबा सत्य को भगवान काहिंकि आउ कोउ परिस्थिति रे आम आग को आनी छंती आसंता क्लास रे आमे सेई बाबदरे आलोचना करिबा मतामत निसंदेह समस्ते देबे सेई अपेक्षा रखुची धन्यवाद।